साथियों, पूरे देश में अब विपक्ष और आंदोलन के प्रतीक बने, मतलब शरद जी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो देश में माहौल है, मुझे लगता है कि हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। और जिसके पूरे देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कमांडर और सेनापति शरद जी हैं। अब उन्हें सुनना है। आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बिहार गुजरात से आए हुए परिवर्तन और क्रांति के आज के सवालों को उठाने वाले भाई जगदेश जी, अली अनवर जी, धर्मेंद्र जी, गीता कुमारी जी, मशहूर अहमद उस्मानी जी, अवनीश यादव जी, काना राम ड्रैगर जी, अकदस स्वामी जी, विकास यादव, राहुल राय, अंकुश यादव, लक्ष्मण यादव जो संचालन कर रहे हैं, राजेंद्र रे डूटा के अध्यक्ष जी, डॉक्टर हंसराज सुमन जी, डॉक्टर सूरज मंडल जी, डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, जगदीश सौरभ जी, अहमद खान जी, और बहुत देर से आप सब लोग, मैं मानता हूं कि यहाँ जिस तरह से नौजवानों ने अपनी बात को रखा है, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। हमारा पूरा गला बैठा हुआ है और जो भाषण हुए हैं वो एक से एक क्लाइमेक्स के भाषण हो गए। और मैं शुरू करना चाहूँगा, अभी जगदेश जी ने एक बात रखी है, उसको जरूर ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। रोस्टर है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, यानी आने वाले बच्चों के लिए दो रास्ते हैं जिन्हें रोक रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मामला चलता है तो उसमें सदियों से जो लड़ाई मजदूर आंदोलन ने लड़ी है और हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के मजदूर जो लड़ाई लड़ी है और संविधान बनाने वाले पुरखों ने जो संविधान में हक और हकूक मजदूरों के लिखे हैं वो भी मिट जाते हैं। और संविधान बनाना और संविधान में बाबा साहब ने जो वंचित समाज के लिए जो हक लिखे हैं वो हक भी चले जाते हैं। तो जगदेश जी ने जो बात रखी है मैं उसमें ऐड किए देता हूं, ये जो 2 करोड़ रोजगार है, मैं यकीनन मानता हूं कि देश में इंसाफ होता तो लड़ाई 2 करोड़ रोजगार पर होना थी, लेकिन वो लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई रोस्टर के बहाने हिंदुस्तान का जो वंचित समाज है उसे रोकने के लिए हो गया है। ऐसा धरती में मैंने सारे इतिहास को देखा है
इतने अन्याय से भरा हुआ समाज कहीं 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 दुनिया में नहीं मिलेगा। ये आजादी भी हमारी हजारों बरस की जो त्रासदी है उसको दूर करने में, ये आजादी हमारे बाजू में नहीं खड़ी है, ये दूर हो गई। और याद रखना, हमने भूल गए या सब महापुरुषों के चित्र लगे हैं, लेकिन मैं दो आदमी का चित्र करना चाहूंगा। संविधान बनाने का काम बाबा साहब ने किया था और सबके लिए संविधान में हक लिखे हुए हैं। मैं मानता हूं उनकी जगह कोई इतनी त्रासदी, इतने दुख और तकलीफ सहने वाला आदमी पूरे देश के साथ इंसाफ नहीं करता। वो चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, चाहे अकलियत का है, सबके हक लिखे। और उन्होंने एक बात कही थी, बहुत बड़े बड़े लोग दौर में थे, उन्होंने ये बात क्यों कही थी कि मेरा गुरु कोई है तो महात्मा फुले है। ये बात उन्होंने क्यों कही थी? वो दर्द और तकलीफ से आदमी के अंदर से सच निकलता है, और सच की राह क्या है, कैसे मंजिल मिलेगी, ये लड़ने वाला और संघर्ष करने वाला, चाहे वो मार्स हो, चाहे लेलन हो, चाहे माउस से तुम हो, बाबा साहब हो, जितने लड़ने वाले लोग हैं, महात्मा जी हो, तो राह है सीधी। 70 बरस में हमारे हाथ, संविधान ने इतना बड़ा ईमान आपके हाथ में रखा था। ये जो बैलेट पेपर है, ये इस बैलेट पेपर का हमने ठीक इस्तेमाल किया होता, किया है थोड़ा बहुत किया है, किया है तो राज, और राज की सीमा के अंदर ही वो चीज खत्म हो गई है। असली सब जगह सब तरह के गुनाह यदि कहीं से चलते हैं तो वो ये दिल्ली है। हर तरह का गुनाह यहीं से चलता है और यही हमारे पंजे में और मुट्ठी में नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके सब साथियों ने ज्यादा देर बोलने की, ठीक मेरा गला भी ठीक नहीं है, और मैं मानता हूं कि क्लाइमेट पे नौजवानों ने बोला है उससे बहुत ज्यादा ऐड करने की मुझको जरूरत नहीं है। खुशी भी हमको है, एक ही बात इस सम्मेलन से एक राह और रास्ता पकड़ना चाहिए। वो रास्ता है जो वंचित समाज के लोग हैं उनके अंदर जो जातियां हैं उन्हें जमात में बदलो। आप जीत नहीं पाओ, हम जीत नहीं पाए हैं इसलिए कि हमारी हड्डियों में ये जात चली गई है, और हड्डियों में चली गई तो वो 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा, जगनेश कर रहा, जिसका आरक्षण भी छीना जा रहा, लेकिन वो इस 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आरक्षण खत्म करो और हमको भी 15%। तो हमारे बीच का भी एक आदमी कह रहा है, यानी सिर्फ वोट के खातिर, दलाली के खातिर बोल रहा है। बोलना किसी के बारे में ठीक नहीं मानता मैं। बहुत वर्षों तक हमारे साधवी लोग रहे, बड़े चतुर लोग हैं, तो सवाल यह है कि वो नहीं कर रहे और उन्हें हजारों वर्ष में इंसाफ नहीं दिया है, लेकिन इंसाफ की तरफ इशारा इस वजह से यह हुआ है, एक अल्पकालीन धर्म है।
यानी छोटे समय का दूरगामी नहीं, अल्पकालीन, अल्प समय का, वो है 19। यकीनन मानिए कि 19 जो है, यदि उन्होंने फिर पार कर लिया तो खतरा संविधान पे नहीं, संविधान में दिया हुआ सबसे बड़ा हक जो है वो बैलेट पेपर है, बटन दबा के, जिससे प्राइम मिनिस्टर निकलता है, मंत्री निकलता है, मुख्यमंत्री निकलता है, इसको छीनेंगे वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लेकिन अभी तो वो डरे हुए हैं। 19 में वो यदि पार हो गए तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के वंचित समाज को से लेकर के, अकलियत से लेकर सबके लिए, इस संविधान में सारे हक और हकूक खत्म हो जाएंगे। इसलिए दो तरह का कार्यक्रम है, आप सब लोग जो नौजवान बाहर से आए हुए बैठ के बनाइए। आपने यहां बोला भी है कि आप लाखों लोगों को लाएंगे, लाखों नहीं 20-25 हजार भी यहां इकट्ठे हो गए आप, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपका काम होगा। 20-25 ये बहुत, यानी बहुत तरह के पाप किए हुए लोग बहुत जल्दी करते हैं, इनके अंदर का बेईमानी बैठा रहता है तो वो 24 घंटे डरता है। एक तो आप जो है वो जो रोस्टर है, इसके लिए जब आप कई यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ बैठे हैं तो एक तारीख आज तय करके उठिए, ये रोस्टर जो है इसको हटाओ और नहीं फिर गद्दी तुम भी छोड़ो। तो ये आज गद्दी नहीं छोड़ेंगे, ये कल गद्दी 19 में छोड़ेंगे। आपने कर दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो जिग्नेश ने इशारा किया कि 2 करोड़ लोगों को भी, सारे नौजवानों को भी कहेंगे, चाहे वो ऊंचा है चाहे नीचा है, चाहे बीच का है, आजू का है चाहे बाजू का है, उन सबसे कहेंगे कि भाई 2 करोड़ रोजगार का मामला, उसमें तो 1 करोड़ आपके हाथ आ रहा है, आबादी आपकी 15% 1 करोड़ आपके हाथ में आ रहा है, क्यों तंग मिलते, क्यों झंझट, क्यों हमारा साथ नहीं है, हमको तो अभी 50% में डाल दिया। ये अदालत जो है उसने ये कह दिया कि यदि कोई दलित है, कोई पिछड़ा है तो वो भले टॉप कर जाए लेकिन उसको 50% में उसको अंदर ठोकेंगे, ऐसा। अच्छा, ये तो आप देख रहे हो, आप हेर रहे हो, हजारों वर्ष में तो हमारा बाप दादा ये देखा भी नहीं था, वो सोच रहा था ये हमके हमारे भाग में ही लिखा है। ये जो किताबें हैं, असली किताब जो है वो ये संविधान है, जो जिंदा आदमी की जिंदगी के बारे में बात करता है, इसको बचाना है, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। इसको नहीं बचाया तो आप नहीं बचेंगे। यहाँ जो खड़े हुए लोग हैं, अपना हक रोस्टर तो लेना ही है, बाकी जनता को भी, जैसे यहाँ धर्मेंद्र हो, चाहे जिग्नेश हो, चाहे अली अनवर हो, चाहे नौजवान जो यहाँ आए हुए, ये सब जो लोग हैं, आप निकलिए और देश को, और खास करके गरीब का, गरीब जो है उससे सब, उससे उसके पास सबसे बड़ा ईमान है। देखो उसका एक आपके सामने अभी का इतिहास अभी लिखा गया है, जिसके पास खेत नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जो बाजार में मजदूरी के लिए खड़ा होता है कि ले लो, 200 रुपए में लोगे या 250 रुपए में लोगे या 300 रुपए में लोगे, उसने 2 तारीख को हजारों वर्ष में पहली बार पहचाना गांव में, तो उसका मन का, तन का, हर चीज का शोषण होता, उसने पहली बार सड़कों पर आकर के अपना ताकत और अपने पुरुषार्थ को पहचानने का काम किया है। तो 2 तारीख, यानी ये जो हजारों बरस से जो संग्राम है, जो लड़ाई है, सामाजिक
जात बिरादरी की विषमता की, उसमें बहुत कमाल का काम 2 तारीख को हुआ है। फटे हाल इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों को कई तरह केस चलाया जा रहा है, वो मुद्दा भी आप नौजवानों को कभी उठाना चाहिए। ये वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों को तंग और तबाह किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास ही तो ताकत है, यही तो गरीब आदमी को जो भी किसी जात बिरादरी का उसको थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाती है। तो बात ठीक है कि आप एक तो रोस्टर के लिए और ये 2 करोड़ लोगों के रोजगार का, उसमें भी हम यहां बड़ा एक सम्मेलन बनाने वाले, उसमें भी आप लोग, क्योंकि ये जो चाहे प्रोफेसर हो चाहे कोई जगह खाली हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर चला हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका नाम हमको कोई ने बताया था, भूल गए हम, जो ट्रेंटरी लगता है वो कौन, क्या नाम है, एडहॉक नहीं मगर उसका नाम रखा है। बात को तो मध्य प्रदेश में तो बहुत खूबसूरत नाम रख दिया है, अरे जीना मुश्किल कर दिया, नाम बढ़िया दे दिया है, ऐसा देश है अपना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एडहॉक है ये मामूली जो लोकसभा है उसमें जो कानून बनाने वाले जो स्पीकर है, आजकल सारे कर्मचारी बहुत वर्षों से सिर्फ एडहॉक पे यहां भर्ती हो रहे हैं, यानी एडहॉक जो है वो संविधान बनाने वाली जगह पर पहुंच गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट, यहां तो रिजर्वेशन है ही नहीं, छोड़िए जजों का, उनके आसपास जो काम करते हैं उनका भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन लंबा सवाल है, छोड़िए। आज जो तय हुआ है वो तय हुआ है कि रोस्टर, तो रोस्टर में आपने 3 यूनिवर्सिटी के लोग हैं, या जामिया के हैं, नहीं नहीं जामिया नहीं, दिल्ली के जामिया है आपका, JNU है और दिल्ली तो है ही, और जुगनू भी है तो जुगनू जलाइए। इसलिए आप जो है वो अपनी ताकत लगाइए, और जो 7 यूनिवर्सिटी के लोग बता रहे हैं आप, तो वो भी थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से ताकत लगाएंगे, तो ये रोस्टर बहुत बहुत ही चाहता चालाक और धूर्तता का, वो अदालत ने किया है, अदालत के बाद UGC ने किया है, यानी घेर लेना दिल्ली को, या तो रोस्टर वापस करो और नहीं तो राज करना तुम्हारा जो है वो हम लोग किसी तरह से भी हर जगह तुम्हें हराने का काम करेंगे, उसमें लिखो या तो तुम्हें हराएंगे या रोस्टर को वापस करो, तो ये काम करो। और मैंने कहा कि देश में सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो राज में बैठे हुए हैं इनके एक जीव नहीं है, इनके 150-200 जीव हैं, इतने तरह के जीव हैं इनके, मैं क्या बताऊं आपको, आप कम जानते हो। ये ऐसे लोग हैं कि हिंदुस्तान की जितनी खराबी है उसका यदि कोई अर्क निकालो, कंसंट्रेट निकालो, तो ये आज बैठे हुए दिल्ली में, सब खराबियों को ये मानने वाले लोग हैं, है ना, हटाना। हमारी तकलीफ है, हमारी तकलीफ जहां कास्ट सिस्टम की है, जात व्यवस्था की है, लेकिन इनको हराने का काम अपने, चूंकि ये बैलेट पेपर हमारे बाजू हमारे सबसे ज्यादा काम का है, हमारे पास लगभग 80-85% अब हम लोग नहीं कर पाए, हम तो चूक गए, लेकिन आप जो नौजवान लोग हो जो याद आए, ये कोई राज्य सरकार का मामला नहीं है, ये तो म्यूनिसिपैलिटी है, ये जो राज्य सरकार है म्यूनिसिपैलिटी असली है। 24 लाख करोड़ का बजट, हर गुना यहीं से निकलता है, हर गुना यहीं से निकलता है, इसको पंजे में नहीं लोगे तो आज नहीं तो कल आप लोग, हम लोग तो नहीं कर पाए लेकिन आज काम को करो। और इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने हमको बुलाया, लेकिन एक बात पक्की यहाँ से उठना कि आपने यहाँ तो काफी अच्छा प्रोग्राम कर लिया,
लेकिन अब जो है वो लड़ाई का, रोड का, रास्ते का, यानी तीन यूनिवर्सिटी जो है इनका ज्यादा जिम्मा है। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आ गए, एक तो महिला थी चली गई, वो तीनों जगह में बहुत बढ़िया काम करते हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग करते हैं। लेकिन अब आपने शुरू किया है, आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस रोस्टर को यानी कुचलना है, ये बहुत अन्यायपूर्ण है, बहुत ही, यानी आने वाले 30-40 साल तक सच्ची जात के हाथ से चली जाएगी, खास करके जो एजुकेशन है उसके इतिहास से। और ये बीमारी चारों तरफ फैलेगी, और ये कॉन्टैक्ट लेबर एडहॉक, ये दोनों चीजें बहुत ही खतरनाक है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात भी नौजवानों ने कही, मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और जो इसके आयोजक हैं, चाहे वो आपके रतन लाल हो, चाहे सूरज मंडल हो, और चाहे वो लक्ष्मण हो, और लोगों को जोड़िए, जरा जमात बड़ी बनाइए। जितनी जमात बड़ी बनेगी उतना ही देश आपके हक में और आपके बाजू में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।